कोरोना संकट के दौर में समाज विरोधी ताकतें सर उठाने लगी हैं। जमाखोरों ने सुनियोजित तरीके से सामान जमा करना शुरू कर दिया है। बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को सामान देने से आनाकानी कर रहे हैं। हर सामान की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे आमजन बहुत परेशान है और महंगे दामों पर चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने जारी प्रेस बयान में लगाए। उन्होंने कहा कि जमाखोरी और मूल्य वृद्धि पर सरकार के संबंधित विभाग मूर्दर्शक बने हुए हैं। सरकार का बाजार व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है, जिससे ऐसा आभास होता है कि इन सब में भाजपा सरकार की भी मौन सहमति है। जनता को इस स्थिति में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। कोरोना संकट के इस दौर में नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। पिछले दो दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि जमाखोरी बढ़ गई है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य जो हैं वो अप्रत्याशित तौर पर बढ़े हैं और अघोषित महंगाई सामने आ रही है। इसमें साफ नज़र आता है कि प्रदेश सरकार का जो चुप्पी है उससे संदेह पैदा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग अभी तक किसी तरह की सख्त कार्रवाई करने में नाकामयाब नज़र आ रहा है। जहां मूल्य बढ़े हैं, चाहे वो सीमेंट की बात हो, रेता बजरी की बात हो, या आम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आवश्यक वस्तुएं हैं उनके रेट्स जो हैं अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गए हैं। इसके बारे में हमारा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि लोगों को जिस तरह से समस्या आ रही है और जो शोषण लोगों का हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिंतित है प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी। प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने इसको देखते हुए एक गैर राजनैतिक तौर पर कमेटी का गठन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इदारों के जो विशेषज्ञ हैं उनको लेकर एक कमेटी बनाई है, जो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी और हम उस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार को देंगे, ताकि प्रदेश सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। आज आवश्यकता है कि चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मनरेगा के लोग हैं, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, बेरोजगारी वाले लोग हैं, बेरोजगार हैं, उन सब के लिए एक कार्य योजना तैयार हो। और सबसे बड़ी ज़रूरत कि हिमाचल प्रदेश में संसाधन पैदा कैसे हों, अपने संसाधन, उसके बारे में हम जो हैं वो निर्णय करें, ऐसा हम सोच रखें। आज प्रदेश सरकार इन सब विषयों के ऊपर मौन धारण किए हुए है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है। जो नोडल अधिकारी रखे हैं कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग जगह पे, आज ही उसके बारे में खबर आई है कि 18-20 लोगों को 18-20 हज़ार के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो कोरोना के जो पैसे हैं उससे जो दे दिए गए हैं। क्या उनके पास अपने फ़ोन नहीं हैं? क्या वो इतने गए गुजरे लोग हैं कि अपना फ़ोन तक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये उनका योगदान है प्रदेश के लिए। आज डॉक्टर्स, आज दूसरे लोग, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी सब अपनी जान पे खेल के जो है कोरोना के लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये अधिकारी हैं वो एक फ़ोन भी अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बारे में जिस तरह से ये धांधली हो रही है उसमें शंका पैदा होती है। जो लोग अपनी खून पसीने की कमाई योगदान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उस दान का दुरुपयोग ये प्रदेश सरकार कर रही है। हमारा आग्रह रहेगा कि इन सब चीज़ों को, ऐसे दुरुपयोग, ऐसा शोषण और इस तरह से जो नाजायज़ लोगों के साथ हो रहा है, ये बंद किया जाए।